الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأخبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الندم هو التوبة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الاستغفار أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. آج کا ہمارا درس جیسا کہ ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے انشاءاللہ العزیز مغفرت کے اسباب پہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو بخشش آتی ہے گناہوں کی معافی تلافی آتی ہے اس کے اسباب کیا ہے اللہ کیسے معاف فرماتے ہیں کیوں فرماتے ہیں یہ بات انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں میرا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ سے مجھے بخشش مل جائے اور حقوق العباد کے معاملے میں ادا کر دوں یا معاف کرا لوں تو یقین فرمانا اگر یہ چیز نصیب ہو جائے تو دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے جس آدمی نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ مجھے مغفرت نصیب ہو جائے تو بہت نصیبوں والا ہے وہ آدمی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ بار بار علماء سے سنتے ہیں مغفرت غفران استغفار استغفر اللہ وغیرہ توبہ
गुफरान कहते हैं एक आदमी खड्डा खोदे, खोदा, अब वो जमीन की सतह के बराबर नहीं रहा, गहरा है। फिर उसके अंदर मिट्टी डाल के उसे पुर कर दिया जाए और बिल्कुल सतह हमवार हो जाए, इसको अरबी में कहते हैं गुफरान। कि यार दोबारा फिर मिट्टी बिल्कुल उसने बराबर कर दी, कुआं था, खड्डा था, बुनियाद थी, कोई चीज थी। तो अब गुनाहों की मुआफी और तलाफी को गुफरान क्यों कहते हैं? जब इंसान गुनाह करता है दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर कर देते हैं गुनाहों की वजह से। फिर जब सच्चे दिल से आदमी तौबा करता है तो अल्लाह सुलो जो करते हैं राजी होते हैं, तो बिल्कुल भुला देते हैं। भुलाने से मतलब ये है कि रब्बे कायनात फिर बिल्कुल याद ही नहीं कराते, ताना ही नहीं देते तूने ये गुनाह किया था। वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलने वाला नहीं है, भूलने वाला मुआमला करता है कि यानी फिर तुम्हें ताना भी नहीं देता है। और जब रब्बे कायनात बंदों को तरगीब दिलाते हैं कि गुनाह छोड़ के तौबा करके मेरे पास आ जाओ, तो फिर यूं देते हैं या अय्युहल्लदीना आमनु, मैं कहा करता हूं कि ऐसे नहीं कहे बदकारो, ए कंजरो, ए शराबियो, ए झूठो, ए सूदखोरो, नहीं नहीं, या अय्युहल्लदीना आमनु, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाह जमीअन, तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मोमिनून, ये एक मकाम पे आया, तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मोमिनून। और दूसरे मकाम पे आया अय्युहल्लदीन आमनु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा कर लो। और कभी आया तौबा करो फिर इस पे पक्के रहो। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नदम हुवा तौबा, गुनाह करके शर्मिंदा हो जाना, शर्मिंदगी का इंसान हामिल हो जाए कि शर्मिंदा है अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, शर्मिंदगी के बारे में फरमा देती हुवा तौबा, इसकी तौबा कबूल होगी। और जो टस से मस न हो तो रब्बे कायनात उसके बारे में मुसिर फरमाते हैं कि ये डटा हुआ है गुनाह पे, अल्लाह सख्त नाराज होते हैं। वलम युसिरु अला मा फअलु, कैसी रहमत है अल्लाह की जोश मार रही है। अशरा मगफिरत वाला शुरू हो चुका है, हर आदमी कह रहा है पता ही नहीं चला 10 रोजे गुजर गए, अब भी पता नहीं चलेगा 10 गुजर जाएंगे, मगफिरत वाला अशरा अलविदा हो जाएगा। वलम युसिरु अला मा फअलु, मेरे बंदे वो हैं जो डट नहीं जाते जो गुनाह करते हैं, करके तौबा कर ली, शर्मिंदगी हो गई, बस कामयाब हो गए रब के दरबार में। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते थे कि 5 अंधेरे हैं, 5 अंधेरे, और उनके लिए जो रोशनी है वो भी 5 है। हुब्बुद दुनिया जुल्मतुन वस्सिराजु लहु तक्वा, दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई ये अंधेरा है, अंधेरा। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है वो अंधेरे में है। वस्सिराजु लहु तक्वा, इसके लिए अगर चिराग चाहिए तो वो तक्वा है। गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत नहीं रहेगी। तो आप अच्छे तरीके से समझो कि दुनिया की मोहब्बत गुनाहों के नतीजे में आती है। जिस तरह के हसन बसरी
रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा, पानी भी रात को रखता हूँ, नियत भी करता हूँ, मुसल्ला भी रखता हूँ, फिर तहज्जुद नसीब नहीं होते और फला फला को नसीब होते हैं। तो हसन बसरी पाए के वलीउल्लाह थे, फरमाया तू गुनाहों की कैद में है, गुनाह बड़े ज्यादा हैं तेरे, उस फंदे में आ चुका है, इसलिए तुझे तौफीक नहीं मिलती है। तो हुब्बुद दुनिया ज़ुल्मतुन वस्सिराजु लहु तक्वा। अगली बात जिस वजह से मैंने ये बात शुरू की, फरमा अज़्ज़म्बु ज़ुल्म, ये जो गुनाह है ये अंधेरा है। इस हशरे में ये मसले हल होंगे इंशाअल्लाह। ये जो गुनाह है ना, ये अंधेरा है, किसी किस्म का भी गुनाह ये अंधेरा है। नेलवी शाह साहब रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, बदयाली साहब के मदरसे में पूरी जिंदगी गुजारी है। वो फरमाते थे ये छोटा गुनाह और बड़ा गुनाह सिर्फ निस्बत से है, और यही बात काजी शमसुद्दीन अली रहमत फरमाते थे, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, वो इससे बड़ा है। वरना चंगारी छोटी हो या बड़ी हो, वो दोनों नुकसान करती है। बड़ी को बुझा दो तो नुकसान को ही नहीं, छोटी को ना बुझाओ तो पूरा घर जल जाएगा, माज़ अल्लाह। इसलिए गुनाह छोटा है या बड़ा है, वो अल्लाह की नाफरमानी है, वो तो सिर्फ निस्बतन है छोटा बड़ा, वरना अल्लाह की नाफरमानी कोई भी छोटी नहीं है। तो गुनाह ये अंधेरा है, और इसका जो चिराग है वो है तौबा, सच्ची तौबा कर लेना, वैसे इंसान रोशनी में आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे वल आखिरत जुल्मतुन, आखिरत की जिंदगी पूरी अंधेरा ही अंधेरा है। अगर उसके लिए चिराग चाहिए मेरी माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों, अल अमलुस सालिह, नेक आमाल करो, ये सबब बन जाएगा। आखिरत की जिंदगी तुम्हारी अंधेरे वाली नहीं होगी, रोशनी वाली। जब भी किसी मेरी माँ बहन और आप बुजुर्गों में और पूरी उम्मत में से मेरे समेत हमारे अंदर ये आ गई ना, यार दुनिया का तो बनाया है, जो चाहत है वो पूरी भी नहीं हुई, पूरी चाहते पूरी नहीं होती, आखिरत की जिंदगी बना ले, आखिरत की जिंदगी बना ले, वो बन जाएगी आसानी से। तो वल आखिरत जुल्मतुन, और इसके लिए जो चराग है रोशनी है वो अल अमलुस सालिह, नेक आमाल। कुरान के कुछ मकाम ऐसे हैं, जब मैं वहां पहुंचता हूं तिलावत में या पढ़ाने में, तो जी चाहता है कि बार बार तिलावत करता रहूं। मन का न यरजू लिका रब्बिही फल यअमल अमलन सालिखा। मगफिरत के ज़राए और असबाब बयान हो। मेरा अल्लाह फरमाता है जिसे यकीन है कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, ये कोई मामूली बात नहीं। मन का न यरजू लिका रब्बिही, रब की मुलाकात की उम्मीद रखने वालों, फल यअमल अमलन सालिखा, नेक आमाल करो। नेक आमाल करोगे तो मुलाकात अच्छे तरीके से होगी और दीदार भी होगा। और फरमाया पांचवें नंबर पे क्या फरमाया, फरमाया ये जो चौथे नंबर पे फरमाया कब्र अंधेरा ही अंधेरा है, और उसके लिए अगर चिराग है तो वो कौल ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला। जरा एक नुक्ता समझना, पूरी उम्मत को हुक्म है मुत्तकी बनो, लेकिन सिद्दीक अकबर एक ऐसी शख्सियत है कि रब ने फरमाया अतका सिद्दीक, ज्यादा परहेजगार है। ये मकाम उम्मत में से किसी को नहीं मिला है। औरों को हुक्म है मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, गुनाह छोड़ो, लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल को के बारे फरमा अल्लतका, ज्यादा परहेजगार है। अब पांचवें नंबर पे सुन लो, वस्सिरात जुल्मतुन पुल सरात वइम मिनकुम मिल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक्ज़िया। अल्लाहु अकबर। फरमा जो पुल सरात से गुजरना है, जो बाल से ज्यादा बारीक होगी,
तलवार से ज्यादा तेज होगी। गुजर गया सो गुजर गया, गिर गया तो फिर जहन्नम में गया। आज़न अल्लाह मिन्हा। फरमा जो पुल सरात है उस पे अंधेरा ही अंधेरा होगा, कई हवा की तरह गुजर जाएंगे, कई ऐसा ऐसा गुजर जाएंगे, कई सवार की तरह गुजरेंगे। अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा। गुजरना सब ने है, तो पुल सरात पे अंधेरा ही अंधेरा होगा, पांचवें नंबर पे फरमाया। लेकिन वहां अगर चाहते हो कि हम गुजर जाए तेजी के साथ, जहन्नम में ना गिरें, तो फरमाया उसके लिए जो रोशनी है वो है अल यकीनुल कामिल, यकीन कामिल हो जाए अल्लाह पे, बस अल्लाह के बारे में यकीन हो जाए। वही आजत रवा, वही मुश्किल कुशा, वही बिगड़ी बनाने वाला, वही मसाइब में फंसाने वाला, वही जरूरतें पूरी करने वाला, ये यकीन आ जाए पुल सरात से ऐसे गुजरेंगे। जब भी जिंदगी में आपको ये सआदत मिल गई ना कि दिल में आखरत की फिक्र ज्यादा पैदा हो गई, तो बस समझ लेना अल्लाह ने मुआफ कर दिया है और तुम्हारी आखरत बन जाएगी। और जिसे ख्याल ही नहीं आया आखरत के बारे में कि मैंने कोई तैयारी करनी है, मैंने अल्लाह के पास जाना है, ये बदकिस्मती है और अल्लाह की नाराजगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम क्यामत कब वाकया होगी? फरमाया, मेरे प्यारे तू क्यामत के बारे में पूछता है मतस्सा, मुझे बता तैयारी क्या की है, आखरत की री तैयारी क्या की है। सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह मेरे पीर और मुर्शिद थे, कई हजरात बैठे उनसे बैत की, मुझे बड़ा नाज है फख्र है कि मैं उनका मुरीद हूँ, और उन्होंने जो बताया उस पर कोशिश करता हूँ अमल करने की, कि रोज़ाना एक पारा तिलावत करना है। आज मैं 11वां पारा पढ़ूँगा, कल 10वां। एक मेरा कुरान मजीद पुराना बोसीदा हो गया, मौलाना नोमान ले गए अपने पास रखने के लिए पिंडी में, तो मैंने गिना तादी से नेमत के तौर पे उसमें मैंने 96 कुरान पढ़े थे। और ये जो मेरे पास है नुस्खा, ये शुहदा मस्जिद के खतीब काजी यूनुस अनवर साहब ने मुझे तोहफा दिया, तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 कुरान मजीद हो गए। क्योंकि शाह जी ने फरमाया था रोज़ाना एक पारा ज़रूर पढ़ना है बेटा, और दूसरा कोई मुश्किल हो पढ़ा करो, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाते थे हाथ कार वल दिल यार वल, काम अपने हाथ कामों में लगाए रखो लेकिन दिल यार की तरफ लगाओ। अब सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह जब फौत हुए, एक सदी उम्र पाई, तो उलमा ने कहा शाह जी ने आखरत की बड़ी तैयारी की थी, तो अगर आपकी और मेरी तैयारी आखरत के बारे में हो गई, कामयाबी ही कामयाबी है इंशाअल्लाह। तो मगफिरत वाला अशरा शुरू हो चुका है। एक सबब जो मैं अब बयान करने लगा हूं, ये सबसे बड़ा सबब है, किसका? मगफिरत का। और जरा तवज्जो से सुनना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इरशाद फरमा दो पैगंबर, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो। ये लफज मोहब्बत होता है, ये लफज जो बोलते हैं ना मोहब्बत, ये लफज गलत है, क्योंकि कुरान में आया व अल कई तो अलई का मोहब्बतम मिन्नी, लफज मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फत्तबिउनी, बस मेरी ताबेदारी करते रहो, नमाज में नमाज पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है, मेरी सुन्नत है, और रोजा जिस तरह मैंने बताया, जकात जिस तरह मैंने बताई, हज जिस तरह मैंने बताया, जिहाद जिस तरह मैंने बताया, अखलाकियात जिस तरह मैंने बताई, मुआमलात जिस तरह मैंने बताए, निकाह जिस तरह मैंने बताया, और तलाक जिस तरह मैंने समझाया ऐसे तलाक देनी है, अमानत दयानत जो भी चीज है, अमल करना या गुनाह छोड़ने, फत्तबिउनी मेरे हुक्म की ताबेदारी करनी होगी।
और फत्तबिउनी अरबी में कहते हैं एक आगे हो और दूसरा बिल्कुल कदम उसके ऊपर रखे, इसको इत्तेबा कहेंगे। लाला सरवर जा रहा है जी, और हाफिज असगर साहब बिल्कुल उसके पीछे है, कदम पे कदम, कदम कदम, बिल्कुल पीछे जा रहे, इसको कहते हैं इत्तेबा। अगर थोड़ा सा साइड से हो गया दाएं बाएं तो ये इत्तेबा नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह, फत्तबिउनी, फरमा मेरी इत्तेबा करनी है तुमने। देखो मोहब्बत अल्लाह से है तो चाहिए था ना कि मेरे साथ मोहब्बत रखो, नहीं मोहब्बत की बात नहीं आई, फत्तबिउनी मेरी इत्तेबा रखो। मोहब्बत तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है तो कोई मोहब्बत ही नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत, उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज़रूरी है, और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए सहाबा किराम अज़वाज मुत्तारात आले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है। इसलिए फरमा फत्तबिउनी मेरी इत्तेबा करते रहो। कभी फरमा नमाज पढ़ो जैसे मैंने नमाज पढ़ी, मुआमलात करो जिस तरह मैंने मुआमलात किए हैं। फरमा जब मेरी इत्तेबा करोगे ना, अब देखना मैं बता रहा हूं कि मगफिरत का सबसे बड़ा सबब क्या है, आज का जो मौजू है। फरमाया अच्छा जब मेरी इत्तेबा करोगे ना, युख्बिबुकुमुल्लाह, पहले तुम मुद्दई थे, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई मोहब्बत का दावा करे तो इत्तेबाए सुन्नत को चेक करो कि अगर इत्तेबाए सुन्नत है ये सच्चा मुहिब है, अगर नहीं है तो फिर सच्चा नहीं है। अल बिदाया वन निहाया अरबी की किताब है, उसकी इबारत पढ़ने लगो, लौ रहता शख्सन यतीरु फिल हवा व यमशी अलल मा व याकुलुन नार व यत्रुकु सुन्नतम मिन सुनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा लैसा बिवलीयिन बल हुवा साखिरुन कज़्ज़ाब। अगर तू देखे आदमी को हवा में उड़ रहा है, पानी पे चलता है तो पांव गीले नहीं होते, और आग खा रहा है, लेकिन सुन्नत का तारिक है तो वली न समझना कि इसका कोई किरामत है, नहीं, बल हुवा साखिरुन कज़्ज़ाब, वो जादूगर है, बड़ा झूठा है। इसलिए अगर मोहब्बत का दावा है तो फत्तबिउनी मेरी इत्तेबा करो। अगर ये चीज आ जाए तो मैं कहा करता हूं पक्की बात है, एक इस्तिग़फ़ार ज्यादा करो, हर काम में इत्तेबाए सुन्नत, मजनून हो जाओ यार ये जो काम है जरा तसल्ली करनी है, सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है, जो है ना तो बस छोड़ दो, सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो जिस आदमी में इस्तिग़फ़ार ज्यादा और इत्तेबाए सुन्नत आ जाए, कोई हजाब न दुनिया में न कब्र में न आखरत में, यकीन करके लिख लो कुरान हदीस की रोशनी में दो काम आ गए, हर काम में इत्तेबाए सुन्नत। जरा माँ बहनों आज के रवाजों को और रस्मों को न देखा करो, और आज की फैशन को ना देखो, फलां का ऐसा फैशन, फलां ऐसे फल, नहीं, इत्तेबाए सुन्नत, सुन्नत में क्या आया है कर लिया, और उधर इस्तिग़फ़ार ज्यादा कर लिया तो अल्लाह के हजाबों से इंसान बच जाता है। कभी औलाद की वजह से भी हजाब आता है, इंसान को समझ नहीं आती, कभी बेगम बागी हो जाती है, इंसान को समझ नहीं कि वो हजाब होता है, कभी अच्छे दोस्त छोड़ जाते हैं वो भी अजाब होता है, कभी रिजक तंग हो जाता है वो भी, कभी कारोबार मांदा पड़ जाता है वो भी अजाब होता है। इन सब से बचना है तो इत्तेबाए सुन्नत और इस्तिग़फ़ार करना है। मेरी इत्तेबा करो तो युख्बिबुकुमुल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि जब इत्तेबाए सुन्नत होगी अर्श से आवाज आती है युख्बिबुकुमुल्लाह, इसको बता दो, बता दो मैं मुहिब हूं, ये महबूब है, मैं मुहिब हूं और ये बंदा इत्तेबाए सुन्नत वाला महबूब है। देखो ना अरबी की कैद ना आजमी की, न शहरी न देहाती, न काला न गोरा, न छोटा न बड़ा, न अमीर न गरीब, न फलाकों, कोई शर्त नहीं लगाई, फत्तबिउनी इत्तेबाए सुन्नत करो ना तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, जब अल्लाह महबूब बनाते हैं ना सबसे पहले काम ये करते हैं वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इसको गुनाहों से पाक कर दो। सुभान अल्लाह,
गुनाहों से पाक करते हैं फिर अल्लाह अपने करीब करते हैं। बदयालवी साहब फरमाते हैं अवाम की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं गुनाहों के करीब ना जाना वरना मेरे करीब नहीं आओगे, गुनाहों के करीब ना जाना। लेकिन जब अंबिया की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया गुनाहों तुमने मेरे पैगंबरों के करीब नहीं जाना, वो मेरे करीब है, वो पाक है, वो मासूम है। इसलिए फरमाया इत्तिबाए सुन्नत व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आज ये अशरफ साहब कहते हैं, मैं कहता हूं कि अशरफ जी 3000 दफा रोजाना इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है, और जो 3000 दफा रोजाना अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लेता है ना अल्लाह बड़ी बड़ी मुश्किलात का हल कर देते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है इत्तिबाए सुन्नत, इस्तिग़फ़ार करते रहो और सुन्नत की ताबेदारी न करो बात नहीं बनेगी। इस्तिग़फ़ार थोड़ा कर लो लेकिन इत्तिबाए सुन्नत हर काम में सुन्नत सुन्नत। मुझे बताओ कि आदमी जब खाना खाए नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है उंगलियों को चाट लो, इस पे कौन अमल करता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है पीर मुर्शिद को कोई भी खाना खाते थे तो उंगलियां चाट रहे हैं, चावल खाने के बाद मैंने देखा उंगलियां चाट रहे और फरमा रहे थे ये चावल तैयार भी गारे में होते हैं और ये जब खाए जाते हैं तो कोई ना कोई शोरबा कोई दही डाल के फिर खाई जाती है उसके बाद चाट रहे। रात के वक्त सुरमा लगाना आज इसको ऐब समझा जाता है कि सुरमा लगाना, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की बहुत पक्की सुन्नत है। जिस जिसका अमल है तो कितना खुश नसीब है। और मिसवाक वो लोग यहां बैठे हैं इधर कि जिनकी कोई नमाज बगैर मिसवाक के नहीं होती है, 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। और इत्तिबाए सुन्नत कितनी है जो आपके इल्म में है अल्लाह नसीब करे। फरमा जब इत्तिबाए सुन्नत हो गई वह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह सारे गुना मुआफ फरमा देते हैं, वल्लाहु गफूरुर रहीम। आखिर में बात सुने में एक उस्ताद थे दरवेश, 19 साल उन्होंने किताबें पढ़ी 50 साल पढ़ाई, मैं उनके पास 2 साल रहा। मैं एक दफ़ा इधर से छुट्टी गया तो मुझे पता चला कि उस्ताद जंगल में उनकी ज़मीन है वहाँ तशरीफ ले गए। वहाँ मैं गया तो छोटी सी मस्जिद है, उस्ताद वहाँ मुताला कर रहे हैं, तालिबे इल्म वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, डेरा वहाँ लगा लिया। और मुझे फरमाने लगे वालदा इधर रहती है, तो वो चूँकि वालिद साहब फौत हो गए थे उस्तादों के रहे मोहल्ला वो भी मेरे उस्ताद थे, तो वालदा इधर है ना तो ये जाती नहीं है शहर में, ये अपनी ज़मीन में रहती है, मैं सब कुछ छोड़ के इधर आ गया क्योंकि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालदा की इजाज़त नहीं कि शहर में रहो, उसने कहा हुक्म दिया और है कोई नहीं तेरा भाई, तूने मेरे पास रहना है। आगे उस्तादों ने एक कागज़ पर लिखा हुआ था इसलिए मैंने बात की, फरमाया पढ़ो। मैंने पढ़ा, उस्ताद फरमाने लगे लिखा हुआ है दीन की खिदमत बहुत बड़ी सआदत है, दीन पढ़ना पढ़ाना बहुत बड़ी सआदत है और गुनाहों का कफारा है। तो असबाब जो मग़फ़िरत की है इत्तिबाए सुन्नत है, वालदैन की खिदमत है। हदीस में आता है बाज़ औक़ात कबीरा गुनाह वालदैन की खिदमत से अल्लाह ऐसे ही मुआफ़ फरमा देते हैं, कितनी बड़ी सआदत है। और दीन का जो खादिम है खिदमत कर रहा है अल्लाह उसके लिए गुनाहों का कफारा बना देते हैं। इस अशरे में अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इसमें जुनून की हद तक कि अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह से मुआफ़िया मांगनी है, हुकूकुल इबाद की अदायगी है या मुआफ़ी है। कल इंशाअल्लाह आगे और मौजू शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।